झारखंड में राजनीतिक संकट साफ दिख रहा है। काफी चांस है कि ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कार्रवाई कर सकती है। अगर सीएम सोरेन जेल गए तो सरकार बचाए रखने के लिए वो क्या क्या उपाय कर सकते हैं, इस पर पूरे प्रदेश की निगाहें हैं। 2 जनवरी को सीएम सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन से मिलने पहुंचे। जाहिर है शिबू सोरेन पार्टी और परिवार दोनों के मुखिया हैं। ऐसे में यदि हेमंत सोरेन कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो उनके अपने पिता के आशीर्वाद और अनुमति की जरूरत पड़ेगी। सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा फिलहाल कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। सोरेन के इस्तीफे की खबरों के बीच 3 तारीख को गठबंधन की एक बैठक भी हुई। ये कहा गया कि झारखंड में सब कुछ ठीक ठाक है, सोरेन सरकार 5 साल पूरी करेगी, लेकिन ईडी के उस 7वें समन का क्या जो हाल ही में भेजा गया है और साफ साफ कहा गया है कि आपने एक भी बार दफ्तर आकर अपना बयान दर्ज नहीं कराया। ये आखिरी समन है, 7 दिन के भीतर जगह और समय तय करें। हेमंत सोरेन अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत चांस है कि उनको जेल जाना पड़े। यदि सोरेन जेल जाते हैं तो सीएम कौन बनेगा? सोरेन की पत्नी कल्पना, सोरेन के भाई या भाभी, या फिर पार्टी का कोई और चेहरा? आइए उन विकल्पों पर एक नजर डालते हैं जिन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा काम कर सकती है। इन विकल्पों में पहला विकल्प तो यह है कि बहुत चांस है सीएम सोरेन अपने पद पर ही रहकर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे जब तक कि ईडी उन्हें गिरफ्तार करने की प्रक्रिया में नहीं आ जाए। दूसरा विकल्प यह है कि जो सबसे ज्यादा चर्चे में है वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम बतौर सीएम आगे कर सकते हैं। इसके लिए उनको अपने पिता और पार्टी के मुखिया शिबू सोरेन की अनुमति चाहिए होगी। तीसरा, उनकी बड़ी भाभी सीता सोरेन और छोटे भाई बसंत सोरेन भी विधायक हैं। परिवार की एकजुटता उनकी पहली कोशिश होगी। वो खुद एक एजेंसी से यह कह चुके हैं कि पत्नी को सीएम बनाने की उनकी कोई योजना नहीं है। ऐसे में उनके परिवार के दूसरे सदस्य का नाम भी आगे आ सकता है। चौथा यह कि अगर कल्पना सोरेन पर शिबू सोरेन की सहमति नहीं मिली तो हेमंत सोरेन अपने पिता का नाम ही आगे कर सकते हैं। अंतिम विकल्प में यह भी हो सकता है कि सीएम सोरेन पार्टी के ही किसी वरिष्ठ विधायक का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करें, लेकिन ऐसा होने की संभावना न के बराबर है क्योंकि सोरेन परिवार ही झामुमो की सर्वे सर्वा है। पार्टी को एकजुट भी वही रख सकती है, ऐसा पार्टी कार्यकर्ताओं और विधायकों का मानना है। क्या होता है ये जल्द ही पता चल जाएगा। फिलहाल सोरेन की पार्टी मजबूत स्थिति में है, कांग्रेस भी उसके साथ है। राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा इसी बात की चर्चा है कि वो अपने पत्नी को सीएम बना सकते हैं। कौन है कल्पना सोरेन, अभी क्या करती है, ये सब हम आपको किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे। झारखंड की वर्तमान राजनीति पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। बने रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। मेरा नाम है अंकित, नमस्कार।